यहाँ विदिशा के जैन कॉलेज में आयोजित की जा रही बीकॉम सेकंड ईयर के एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। इस परीक्षा का पेपर दे रही छात्रा के पति ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि जैन कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर अप्लाइड कंप्यूटर ट्रेन का पेपर होना था, जिसका एग्जाम शुरू होने से पहले ही छात्रों के मोबाइल पर पेपर पहुंचने की बात सामने आ गई। पेपर दे रही एक छात्रा के पति ने पेपर लीक की जानकारी प्रशासन को दी। प्रशासन को खबर लगते ही मौके पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी, सिविल लाइन थाना TI योगेंद्र सिंह पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की गई तो कई बच्चों के मोबाइल में पेपर मिला। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस बात की सूचना नॉडल गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी दी गई। पुलिस प्रशासन और प्रबंधन अब इस बात की पड़ताल में जुटे हुए हैं कि आखिरकार पेपर कहां से और किस तरीके से लीक हुआ है। वहीं अन्य पेपर्स को लेकर भी अब पेपर लीक होने की आशंकाएं बढ़ चुकी है। यहाँ पे ये क्या हुआ कि समझ में आया कि इसका अप्लाइड का जो प्लान वाला है ना, वो पेपर लीक होगा, तो हमने अपने यहाँ से वो बिल्कुल विद डेट विद वीडियो रिकॉर्डिंग पेपर खोला है। हमारे यहाँ पेपर 11:15 बजे खोला गया है ना, उसका हमारे पास में रिकॉर्डिंग है, फोटो है, सब कुछ है। हाँ, अब ये पेपर कहाँ से लीक हुआ ये मुझे जानकारी उसकी नहीं है। अब वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, है ना, आप है ना, क्योंकि मेरे यहाँ तो मतलब मैंने अपने यहाँ 11:15 बजे पेपर खोला है, उसका बिल्कुल विद टाइम और डेट रखते हैं। डॉक्टर महेश थरानी हूँ, यहाँ पर लास्ट 25 साल से काम कर रहा हूँ। एरो डिपार्टमेंट जूलॉजी भी हूँ मैं, और सुबह की शिफ्ट इंचार्ज भी हूँ। और हम लोग समझते हैं कि 100% नकल रुकी है यहाँ पर, पेपर आउट होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम लोग हर कमरा सर्च करते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, किसी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं कि बच्चा रूम ले जाए। और बहुत स्ट्रिक्ट हम लोग इस बार, हम लोग इस चीज़ों के लिए। और पेपर होने की शिकायत पहले भी एक बार आई, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी फ़ोन भी किया उसके लिए, और आज फिर शिकायत आई। तो हम लोग चाहते हैं कि जांच कमेटी बने हाई लेवल पे, और वो दोषी जो भी है उसको पकड़ सजा दी जाए उसको। कौन सा पेपर हुआ? पेपर ये हुआ है बीकॉम प्लेन, दो पेपर थे आज, कंप्यूटर और प्लेन। तो प्लेन की जानकारी ऐसी है कि प्लेन पेपर आउट हुआ है आज। हाँ, मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे पेपर लीक हो गया है, क्योंकि मैं तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आई थी, और एक दो मैंने मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में पेपर था। फिर मैंने यहाँ के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने कहा है कि मैं लिखित में इसकी सूचना ऊपर दे रही हूँ, और नोडल अधिकारी को भी बुला लिया, वो भी जाँच करेंगे। मेरी वाइफ इस कॉलेज में पढ़ती है, सेकेंड ईयर में है, उसमें एक ग्रुप है सेकेंड ईयर के नाम से, उसमें फ़ोटो आए थे पेपर। जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे सूचना दी तो मैंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी है, और प्रशासन जा चुका है, तो प्रशासन में निवेदन करूँगा कि वो सख्त कार्रवाई करे, ताकि और बच्चों का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि जो बच्चे पढ़ लिख के आते हैं उनका तो भविष्य भी खराब हो गया। SSL जैन PG कॉलेज विदिशा। आज पेपर लीक होने का मामला आया, कौन सी कक्षा का था और क्या पूरा मामला है? BCOM सेकेंड ईयर में अप्लाइड इकोनॉमिक्स का कंप्यूटर और प्लान दोनों का पेपर है, तो कुछ बच्चों के द्वारा ही पता हुआ कि पेपर लीक हो गया है BCOM प्लेन वाला अप्लाइड इकोनॉमिक्स का। तो 10 बजे के लगभग हम लोगों को सूचना मिली, उसके बाद हम लोग ने DR को यूनिवर्सिटी में भी फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया, तो अब हम लिखित में भी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये पता लगना चाहिए कि कहाँ से लीक हो रहा है पेपर। क्योंकि जी मैडम, आपके कॉलेज में बच्चे सब मोबाइल लेके जा रहे हैं, और आपके लिए पूरी चेकिंग होती है मोबाइल के अंदर? नहीं, मोबाइल हम लोग चेक करके उनको रखवा लेते हैं सारे। ये कैसे रखवाते हैं मैडम, मोबाइल में सबके पेपर मिला? नहीं नहीं, मोबाइल में पेपर मिला है, लेकिन मोबाइल में अपन ने बाद में देखा, वो मोबाइल अपन ने वहाँ रखवा लिए रूम के पास टेबल पे। मैडम जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनको बोलते हैं और चेक करते हैं बाकायदा, जो जेंट्स टीचर होते हैं हमारे यहाँ, वो जाके बच्चों की जेब में चेक करेंगे। अब यदि कहीं ऐसी जगह बच्चे ने छुपा के एक आध ने रखा है जहाँ अपन हाथ नहीं डाल सकते हैं, तो बात अलग है, बाकी सारे बच्चों की चेकिंग होती है। मोबाइल चेक कर, उसमें पेपर भी मिले आपको? हाँ, मोबाइल अभी चेक किया मैडम ने एक मोबाइल में, तो पेपर डला हुआ है उसका, और 11:15 के लगभग वो पेपर उसके पास आया हुआ है। कॉलेज के स्टाफ का कहना है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ही पेपर को खोला था, जिसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होने या फिर पेपर लीक होने की संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, विदिशा।